नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, कहाँ के रहने वाले हो अंकल जी? आप कहाँ आए हो अभी? कुचामन सिटी से यहाँ आए हो आप? हाँ। केकड़ी तो अभी आपके सामने कुट्टी कूट के दिखाई, तो कैसी है, बारीक है या मोटी है सर? नहीं, नहीं। थोड़ा सा बताएं। बढ़िया 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 कुट्टी मशीन है। हाँ। सभी किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ पुष्पिंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती बाड़ी के नेटाट। किसान भाइयों, अभी मैं गुजरात से और मेरे घर के लिए जा रहा था, तो मुझे यहाँ पर केकड़ी के अंदर होके निकल रहा था तो एक बहुत ही शानदार कुट्टा मशीन दिखी, जो कि ट्रैक्टर माउंटेड कुट्टी मशीन है। दोस्तों, इस कुट्टा मशीन की कुछ खासियत मुझे बताई गई और मैंने भी खुद ने देखा, तो क्या इसकी खासियत है? सबसे बड़ी खास बात तो ये बताई गई कि इसमें जो गियर बॉक्स दिए गए दोस्तों डबल है, और ये थ्री स्पीड जो दोस्तों कुट्टी मशीन है, इसके कई सारी खासियत हमारे लिए बताई गई है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं राम एग्रो इंडस्ट्री के बाड़े के अंदर। यहां पर ये कुट्टा मशीन एक दुकान पर इनके बाहर रखा हुआ था, एक अंदर भी है, तो यहां मैं जो जानूंगा, पूरी जानकारी लूंगा इस कुट्टा मशीन में जो है डबल गियर बॉक्स क्यों दिया गया, थ्री स्पीड कुट्टा मशीन क्यों है, इसे थ्री स्पीड कुट्टा मशीन क्यों बोला जाता है, तो पूरी जानकारी लेते हैं राम एग्रो इंडस्ट्री के ओनर जो कि हमारे साथ में आने वाले हैं अभी। तो अभी हमारे साथ में आ चुके हैं राम एग्रो इंडस्ट्री के ओनर, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे राम एग्रो केकड़ी के पोजन बहुत बहुत अधिक स्वागत है जी। अपना एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों के लिए दे दीजिए। मेरा नाम राकेश चौधरी है, मेरी फर्म का नाम राम एग्रो इंडस्ट्रीज केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान है, और आज हम किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर माउंटेड चाप कटर का रिव्यू दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार हमने ये मॉडल निकाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो सर, मैं अभी गुजरात से घर के लिए जा रहा था, तो मैंने आपके इस कुट्टा मशीन की बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनी, तो थ्री स्पीड कैसे है सर, और ये डबल गियर बॉक्स मैं खुद देख पा रहा हूँ, तो ये क्यों लगाए सर, इसके पीछे क्या कारण है ये बताइए। सर, हमने ये पेटी वाला गियर बॉक्स बोलते हैं सर, डबल इसमें हैंडल है जी, स्पीड ये गियर बॉक्स है, इसमें तीन गियर आते हैं इसके अंदर जी जी जी। ये पर्सनल गियर, ये कटिंग तीन तरह की कटिंग करता है। अच्छा सर, साइज एडजस्ट यही कर सकते हैं इसे, और ये जो हैंडल दिया हुआ है ये पर्सनल जी मशीन को आगे पीछे और न्यूट्रल करने का काम करता है जी। बहुत सी बार लोड पे मशीन रिवर्स नहीं होती है जी, तो उसके लिए हमने स्पेशल हैंडल दिया हुआ है, ताकि किसान भाई बिल्कुल आसानी के साथ लोड होने के ऊपर भी मशीन को रिवर्स कर सकता है। तो मेरे किसान भाइयों, अभी सर ने बताया कि जो इसमें एक्स्ट्रा गियर बॉक्स लगाया गया, उसका सबसे बड़ा काम यह है कि अभी हमें पहले गरसा पत्ती हमें एडजस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी आप जो है गियर के माध्यम से ही और अपनी जो चारे की साइज को एडजस्ट कर सकते हो। कई जगह पे क्या होता है, छोटी साइज की कुट्टी जो है कुट्टी चाहिए, कई जगह पे बड़ी साइज की कुट्टी चाहिए, तो उसको हम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी सर, आप थ्री स्पीड के बारे में थोड़ा बताइए, थ्री स्पीड से क्या हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा? सर, थ्री स्पीड का मतलब ये कि अगर किसान भाइयों को घंटे के ऊपर काम करना है, तो अभी सर मैंने अभी हमारे किसान भाइयों के लिए बताया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है थ्री स्पीड का क्या मामला है, थ्री स्पीड से हमारे किसान भाई को क्या फायदा मिलने वाला है। सर, इस मशीन के अंदर तीन गियर लगते हैं जी जी। किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने चारे की कटिंग कर सकता है, जिसको किसी किसान भाई को 8 mm कुट्टी चाहिए जी, उससे थोड़ी बड़ी चाहिए, तो किसान भाई इसको गियर के माध्यम से अपनी कुट्टी को सेट कर सकता है जी जी। किसान भाइयों को अपने क्षेत्र के हिसाब से हम पूछते हैं कि आप किस एरिया से हो, आपको किस प्रकार की कुट्टी चाहिए, उस हिसाब से हमने गियर बॉक्स सेट किया हुआ है। तो सर, अभी हम इस कुट्टी मशीन के माध्यम से कौन कौन सी जो है फसल की कुट्टी हम बना सकते हैं? सर, आप इसमें सूखा चारा, ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर, घास, गन्ना जी, सब कुछ आप इससे कूट सकते हो। बात करते हैं कि जो आप पाइप देख पा रहे हो, जो क्रॉस देख पा रहे जी जी। सर, अभी हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर धान की पराली को निकालना होता है, तो क्या आपका जो ये कुट्टा मशीन है धान की पराली को जो है कूट पाएगा, निकासी कर पाएगा? सर, पराली भी काट देगा, जी जी, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कुछ भी हो सर। अब बात करते हैं सर इसके प्रोडक्शन के बारे में, एक घंटे में इसका जो प्रोडक्शन रहेगा सर, वो कितना रहेगा लगभग? एक घंटे में ये 7,000 से 8,000 के बीच में जी निकाल देगा सर, एक घंटे के अंदर। अब बात करते हैं सर क्वालिटी के बारे में, देख पा रहा हूं मैं जो और कुट्टा मशीन से जो हॉपर दिया गया है चारा देने के लिए, तो उसकी साइज कुछ बड़ी लग रही है, और यहाँ पे भी मैं अलग देख पा रहा हूँ, तो ये क्यों लगाया, बड़ा क्यों लगाया है सर? तो इसको थोड़ी गहराई ज्यादा की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जी चारा रख सके पर किसान भाई। इसके अलावा हमने एक सेफ्टी कवर दिया हुआ था कि किसान भाई कोई हाथ नहीं आए जी। इसके अलावा बहुत सी बार गियर बॉक्स दूर होने की वजह से किसी किसान भाई के हाथ वगैरह आने का डर रहता है जी, तो हमने बिल्कुल नजदीक के अंदर जी जी गियर का सिस्टम सेट किया हुआ है, किसान भाई बिल्कुल आसानी के साथ इसको रिवर्स कर सके। तो सर, अभी जैसे
कई बार हमारे किसान भाइयों की समस्या ये आती है, बहुत से कुट्टा मशीन ऐसे होते हैं कि बार बार चारा फंसता है, तो कई बार थोड़ा सा गीला आ जाता है, तो क्या आपका जो कुट्टा है वो थोड़ा गीला चारे को भी काट पाएगा, नहीं काट पाएगा? बिल्कुल सर काट पाएगा, अपने वाले जो रोलर रुकेगा तो नहीं, जो अंदर वाले रोलर होते हैं उसकी फिटिंग इतनी बढ़िया है कि वो चारा नहीं फंसेगा। तो इसमें कितने रोलर दिए गए सर? इसमें चार रोलर दिए हुए हैं जी, चार जॉइंटों में एक क्रॉस दिया हुआ है। तो क्रॉस की क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप बताएं सर। क्वालिटी बहुत ही हेवी मॉडल के अंदर है, बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हो उसमें हमने बीच में पाइप लगाया हुआ है जी, और मॉडल के अंदर पाइप नहीं आता है, उसमें सापट आती है। तो हमने ये एंटीक फीचर निकाला था कि ये अंट नहीं खाए और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए किसान भाइयों। अब बात करते हैं सर बैरिंग वगैरह के बारे में, इसकी जो बैरिंग वगैरह इसमें लगाई गई है वो किस क्वालिटी की बैरिंग है सर? इसमें सर इसमें 70 mm की इसमें सापट दी हुई हमने, और पीछे जो हमने पेड़ से लगाया है उसमें हमने दो बैरिंग लगाए हुए हैं जी जी। मेन सापट के अंदर हमारी मशीन के अंदर 5 bearing है, 2 bearing पीछे वाले पेडसल के अंदर है, 2 bearing आगे वाले पेडसल के अंदर है, और 1 bearing हमने आगे वाले पेडसल में लगाया। अब सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने जो कुट्टा मशीन बनाया है, मैंने यहाँ देखा है जो ये चेस होता है इसमें जॉइंट होता है, लेकिन आपके में कहीं जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, तो सर ये क्यों अलग है सर थोड़ा सा? सर जो आपने देखा होगा आमतौर पर जो ट्रॉली होती है जी, उसकी जिसको भी हम बेंड करते हैं वहाँ कट नहीं देते, हमने भी यही किया है, ये जिसका भी लाइफ टूटेगा नहीं सर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बेंड नहीं दिया, यहाँ पे हमने बेल्डिंग नहीं की, बिल्कुल बेंड दिया हुआ है, जिससे किसान भाई को कभी लाइफ टाइम में जैसे टूटने की समस्या नहीं आएगी सर। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा व्हील के बारे में, व्हील की जो साइज है वो क्या रहेगी सर? सर इसके अंदर डबल व्हील है, इसके अंदर अंदर है इसमें ब्लेड लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये डबल व्हील है सर ये आपका? तो सर ये डबल व्हील है, तो मैंने मेरे किसान भाइयों पहली बार देखा है कुट्टाओं में, मैंने देखा है सिंगल व्हील वाले कुट्टा आते हैं ओनली, वो जो हमारा कुट्टी काटेगा वही, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि डबल व्हील है। तो आप बात करते हैं सर इतनी बड़ी मैं सूंड देख पा रहा हूँ, ये क्यों लगाई आपने सर? सर आजकल के जमाने में किसान भाई डायरेक्ट कुट्टी को ट्रोले के अंदर लोड जी जी जी, तो उसी चीज को देखते हुए हमने इसमें सूंड लगाई हुई है, जिससे किसान भाई डायरेक्ट अपने चारे को ट्रोले के अंदर लोड कर सकता है जी। अब बात करते हैं सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इधर भी आपने तीन तीन इसमें होपर दिए, तो तीन होपर जैसे तीन जगह से चारा हम निकाल सकते हैं इसमें से? बिल्कुल सर, एक मुंह नीचे है, एक ऊपर है, एक सूंड है, तीन मुंह है सर इसमें। अब सर थोड़ा सा हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि जैसे ट्रैक्टर है हमारे पास में, किसी किसान के पास में 25 HP का है, किसी के पास में 35 HP का है, किसी के पास में 75 HP का है, तो सर क्या ये छोटे से छोटे ट्रैक्टर पर चलेगा या नहीं चलेगा? सर हमने इसमें 35 HP ट्रैक्टर का अलग मॉडल निकाला है जी, किसी किसान के छोटे ट्रैक्टर होते हैं उसका मॉडल भी अलग निकाला हुआ है जी। बात करते हैं कि ये कौन सा मॉडल है जी। सर ये जो मॉडल है ये कम से कम 30 HP से ऊपर के ट्रैक्टरों के लिए बहुत ही बेस्ट मॉडल है जी। बात करते हैं कि इसका टापा कितने इंच चौड़ा है जी जी जी, तो आपको बता दें कि ये टापा 10 इंची चौड़ा है और 4 mm का हमने इसमें चद्दर यूज किया हुआ, बहुत ही हैवी ड्यूटी, बहुत ही हैवी है, देख सकते हो मेरे किसान भाइयों 4 mm का है, आप कैसे भी कुछ भी कर लीजिए। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा इसको खोल के आप दिखाएंगे थोड़ा ब्लेड की क्वालिटी के बारे में, और कितने ब्लेड इसमें दिए गए सर, और व्हील की साइज क्या रहेगी सर? आपको खोल के दिखाते हैं जी, किसान भाइयों को मशीन हम किस प्रकार सेट करके दे रहे हैं वो संपूर्ण जानकारी दिखाने वाले हैं जी जी। अब बात करते हैं सर इसमें जो व्हील दिया गया है और जो ब्लेड्स दिए गए हैं वो कितने ब्लेड्स दिए गए हैं सर? सर ये जो मॉडल आप देख रहे हो 3 ब्लेड के अंदर है, हमारे पास 2 मॉडल हैं, 3 ब्लेड और 4 ब्लेड। अच्छा, की बात करें हमने 2 इंची मोटा इसमें व्हील लगाया हुआ है, बहुत ही हेवी ड्यूटी के अंदर, बहुत ही शानदार। तो सर हम एक्स्ट्रा और भी कुछ देख पा रहा हूँ, ये आपने वहाँ कई बार क्या होता है जो और कुट्टा मशीन होती है उनमें ओनली एक बस एंगल लगा देते हैं, लेकिन आपने इसमें दोनों साइड में आपने एक बहुत ही मजबूत एंगल लगाई है, तो ये क्यों लगाई सर? क्या कारण है? जो ड्रम इसको कवर किया है ताकि कहीं भी गिर ना रहे, और जो कुट्टी है वो आसानी के साथ बाहर निकले, जो सूंड हमने लगाई है वो प्रॉपर काम करे सर। तो आप बात करते हैं सर ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में, तो ब्लेड्स की क्वालिटी क्या रहेगी सर? सर ब्लेड की क्वालिटी 3 mm मोटी ब्लेड है, पुजारी कंपनी की जी, बहुत ही बढ़िया ब्लेड है। इसके अलावा हमने 2 सेटिंग दी हुई है जी, ये नीचे वाली सेटिंग में भी ब्लेड को लगाया हुआ है जी। किसान भाई ब्लेड घिसने के बाद इसको ऊपर सेटिंग कर सकता है, पूरी ब्लेड को काम में ले सकता है, मतलब एडजस्ट हम जैसे समय के हिसाब से मान के चलो हमारे घिस जाएंगे तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर, हमारे किसान भाई पूरा काम में ले सकते हैं। अब बात करते हैं राकेश जी देरी की जो सेटिंग है उसके बारे में, तो हमारे किसान भाइयों को देरी की सेटिंग के बारे में बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हमारे किसान भाई ले जाए या फिर उसके बाद में दिक्कत आए कि जो है बार बार देरी घर से को तोड़े सर?
नहीं सर, हमारी जो मशीन के अंदर जो गाइड लगी हुई है बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग करी हुई है हमने जी जी। इसके अलावा हमने जो जबाड़ी के आगे एक लोहे की पत्ती लगाई हुई है। जब क्यों लगाई है सर वो देख पा रहा हूँ, जैसा कि मैं अभी हमारे कृपया कैमरा मैन दिखाए ये देख सकते हो यहाँ पर लोहे की पत्ती लगाई हुई है, तो क्यों लगाई हुई है सर ये? सर ये लोहे की पत्ती इसलिए लगी हुई है कि जो बीड़ की जबाड़ी आती है वो घिसे नहीं, और जो आगे जो लोहे की ब्लेड है वो केवल वो घिसे और जो चारा आएगा उसमें तोड़ी नहीं आएगी सर। अब बात करते हैं सर जो इसमें चादर लगाई गई है, हेड की जो प्लेट देख पा रहा हूँ उसके बारे में बताइए क्या साइज रहेगी, क्योंकि हेड होता है मुख्य, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसान भाई ज्यादा चारा दे दे ट्रैक्टर बड़ा हो तो कहीं हेड फट जाए आपका। नहीं सर, हमने इसके अंदर 10 mm मोटी प्लेट यूज की, किसी भी मशीन की मोटी प्लेट नहीं आती। तो मेरे किसान भाइयों आप देख सकते हो काफी मजबूत और काफी हैवी 10 mm की जो है चादर इसमें लगाई गई है, ब्लेड जो सॉरी हेड फटने के तो कहीं चांस मुझे लग नहीं रहे। अब सर जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ आपने यहाँ पर 4 बेल्टें यूज की हैं और कुट्टा जो मशीन है उनमें 2 बेल्ट होती है, तो ऐसा क्यों सर? सर 4 बेल्टों में स्लिप मारने की समस्या नहीं आती है जी, मशीन बिल्कुल स्मूथ चलती है, ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ता है सर। तो अभी भाई हमें आपका जो है कुट्टा मशीन बहुत ही शानदार लगा। अब जैसा कि क्या है हमारे किसान भाई कोई भी चीज खरीदते हैं तो उनको आवश्यकता होती है गारंटी वारंटी की, तो क्या आपके कुट्टा मशीन की कुछ गारंटी वारंटी हमारे किसान भाइयों को मिल पाएगी? बिल्कुल सर, 1 साल की गारंटी हम गियरबॉक्स की देने जा रहे हैं किसान भाइयों को, पुराना लाओ नया लेके जाओ। अच्छा अच्छा, पुराना लाओ नया लेके जाओ, खराब हो जाए तो 1 साल बिल्कुल किससे पहले पहले तो आप इसको वापस दे जाइए और नया ले जाइए। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सर थोड़ा सा प्राइस के बारे में, तो हमारे किसान भाई जैसे दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए हैं, कोई हिमाचल में है, कोई उत्तराखंड है, कोई जम्मू कश्मीर है, कोई साउथ से, तो इसको जैसे खरीदना चाहे तो क्या प्राइस रहेगी सर इसकी? सर किसान भाई हमारे राम एग्रो अकाउंट के अंदर बुकिंग करा सकता है 10,000 रुपए मिनिमम जी जी। उसके बाद हम किसान भाइयों को जब माल प्रोवाइड करेंगे उसके बाद किसान भाइयों को हमारा पेमेंट करना है, उसके बाद किसान भाइयों को ट्रांसपोर्ट पे माल मिलेगा। तो सर ये जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो इसमें इंक्लूड रहेगा प्राइस में या फिर अलग से देना होगा हमारे किसान भाई? अलग से रहेगा जी, हमारे जो नजदीक किसान भाई हैं जैसे 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाय टेम्पो बाय पिकअप भेज सकते हैं जी। लेकिन जो आउट ऑफ स्टेट में होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को पे करना पड़ेगा। तो हमारे किसान भाई इसको घर बैठे भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल सर। तो यदि कंपनी में आना चाहे तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए। सर कंपनी में अगर किसान भाई आना चाहे तो राम एग्रो केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान में किसान भाई आ सकता है, हमारे मशीन को देख सकता है, संतुष्ट हो सकता है, उसके बाद हमसे माल खरीद सकता है। अब बात करते हैं सर सीजन का टाइम चल रहा है, तो सीजन के टाइम में आप जो है हमारे किसान भाई जैसे आज बुकिंग कर देते हैं तो आप कितने दिन में हमारे किसान भाइयों को डिलीवरी दे दोगे ये बताइए पहले? सर किसान भाई जैसे हमको आज बुकिंग कराते हैं तो कल तक हम किसान भाइयों को मशीन प्रोवाइड करा देंगे 300 से 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर जी जी। यदि अलग राज्य में है तो कितनी दूरी रहेगी? अलग राज्य में 3 से 5 दिन लगेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी मेरे किसान भाइयों, आपको मैंने बहुत ही शानदार कुट्टा मशीन दिखाया, बहुत ही लाजवाब है, और सबसे बड़ी खास बात इन्होंने बताई कि इस टाइम सीजन का टाइम चल रहा है, आप कहीं भी यदि बुकिंग करते हो 10 से 15 दिन 20 दिन में आपको कुट्टा मशीन मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ बुकिंग करने के बाद आपको 2 या 4 दिन के बाद में आपको आपके घर पर इसको सुरक्षित भेज दिया जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों शायद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।